Hey guys, welcome back. तो आज हम बात करेंगे TVS IQ के बारे में, TVS IQ चार्जर रिफंड के बारे में. अभी बहुत लोगों को चार्जर रिफंड नहीं मिला है, स्पेशली हम बात करने वाले हैं TVS IQ के बारे में. TVS IQ कस्टमर को चार्जर रिफंड क्यों नहीं मिला है? देखो, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, भाई इस प्राइस को मिलेगा, इस प्राइस को नहीं मिलेगा, इस डेट से मिलेगा, इस डेट से नहीं मिलेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, और जिसको मिलना था उसके मोबाइल पे मैसेज आ चुका था. तो बात करेंगे पूरा डिटेल में, भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे. और मेरे पास रिसेंटली एक कमेंट आया था, आप देख सकते हैं ये कमेंट, भाई यहाँ पे 9000 कुछ का चार्जर है और 1140 रुपए मिले हैं. तो भाई ऐसा क्यों है, इतना कम पैसा क्यों मिला है, पूरी डिटेल में बात करेंगे. वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अब हम बात करते हैं TVS IQ चार्जर रिफंड के बारे में. अगर आपको किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर का जानना है तो मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है जहां पे मैंने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करी है, उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है. वो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है. यहां पे हम स्पेशली बात करेंगे TVS IQ चार्जर रिफंड के बारे में. पहला पॉइंट ये है, जिन कस्टमर का प्राइस 150,000 से ऊपर है उनको चार्जर रिफंड मिलेगा. अब पहला पॉइंट समझ में आया. पहला पॉइंट ये है, जिन कस्टमर का स्कूटर का प्राइस 150,000 से ऊपर है, जिन कस्टमर ने 150,000 से ऊपर का प्राइस पे करा है उनको चार्जर रिफंड मिलेगा. बट यहाँ पे एक डेट भी है, इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपने खरीदा है तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा. अगर आपने 19 मई 2022 से 6 अप्रैल 2023 के बीच में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करा है, TVS IQ का खरीदा है, TVS IQ S हो चाहे TVS IQ बेस हो, 19 मई 2022 और 6 अप्रैल 2023 इसके बीच अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है तो आपको चार्जर रिफंड मिलेगा. तो आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है, अगर आपका ये दोनों पॉइंट फुलफिल हो रहे, मतलब आपने 150,000 से ऊपर पे करा है और इसी डेट के बीच में खरीदा है, तो आपको एक मोबाइल पे मैसेज आया होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, मैसेज आ गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, जो डिटेल मांग रहा है वो डिटेल दे दो. अगर आपको मैसेज नहीं आया है और आपने ये दो पॉइंट बताए हैं, ये दो आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप अपने डीलर के पास जाओ, अपना बिल ले लो, अपना इनवॉइस बिल ले लो, डीलर के पास जाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे बात करो, आपका रिफंड आ जाएगा. तो ये था भाई छोटा सा वीडियो TVS IQ चार्जर रिफंड के बारे में. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जय हिंद.